स्मार्टफोन के डायल पैड के थले अल्फाबेट जानी कि अक्षर क्यों होंगे किमें तुसी अपने पेन नू इस तरह फड़ के अपनी लिखाई जानी कि अपनी हैंडराइटिंग नू 100 गुणा वधिया बना सकते हो तुसी अपने मोबाइल दे विच अपने वट्सएप नू एक दिन दे विच किन्नी बार चैक करते हो धरती के उपर किन्ना ज्यादा सोना मौजूद है अजिही रोचक तथ्य जानने लई जुड़े रहो मेरे नाल मैं तुहाडा होस्ट जसप्रीत सिंह तुसी देख रहे हो जो टीवी। दुनिया का सब तो पहला क्रैडिट कार्ड एक पेपर के नाल बनाया गया सी। इस क्रैडिट कार्ड नूं वरतण तो बाद इस दे विच पेंच होल कर दिता जांदा सी जिवें बस का कंडक्टर बस दी टिकट दे विच करदा है। इस क्रैडिट कार्ड की लिमिट सिर्फ 1000 रुपए तक की हुंदी सी। हुण तुसीं इस फोटो नूं ध्यान दे नाल देखो, इस नूं ध्यान नाल देखण ते अजिहा लगदा है जिवें दरख्त थले तो चमक रहा होवे, पर असल दे विच अजिहा नहीं है क्योंकि दरख्त दे उपर जिहड़े पीड़े पत्ते लगे ने उह दरख्त दे थले इस तरह चिपक गए जिस दे नाल देखण नूं अजिहा लगदा है कि जिवें दरख्त चमक रहा है। यह एक अजिहा सेंटेंस है जिसनों तुसी अंग्रेजी दे विच कदे भी चंगी तरह दे नाल नहीं बोल सकते। यह सेंटेंस है आई वाजन टॉक टू यू। इस सेंटेंस नूं निमरता जानी कि पोलाइटली बोलण दा कोई भी तरीका नहीं है। जेकर तुसी यह सेंटेंस नूं किसी नूं भी बोलोगे तो सामने वाले नूं हमेशा यह सुन के बुरा ही लगेगा क्योंकि यह सेंटेंस नूं निमरता दे नाल बोलिया ही नहीं जा सकता क्योंकि इसकी फॉर्मेशन ही अजिही है। साडी धरती दे उपर इन्ना ज़्यादा सोना है, जेकर वो सारे सोने नूं धरती तो बाहर कढ लिया जाए तो साडी धरती का सारा सरफेस सोने दे नाल ढक जाएगा, वह भी 1.5 फुट तक। भाव कि जेकर धरती दे विचला सारा सोना बाहर आ जाए तो तुहाडे गिट्टियां तो उपर तक सारी धरती सोने दे नाल ढक जाएगी। यह धरती दे उपर ही नहीं बल्कि समुद्र दे उपर भी इन्ना ही वैश जाएगा। हुण तुसीं अंदाजा लगा सकते हो कि धरती दे उपर किन्ना सोना मौजूद है। जदों तुसी बीमार हुंदे हो तो डॉक्टर दे कोल जाने हो तो तुहाडी उह जीभ जरूर चैक करदे ने ते उह तुहाडी जीभ नूं देख के उह तुहाडी बीमारी बारे बहुत कुछ पता कर लैंदे ने। जिवें कि हुण तुहानूं इस फोटो दे विच दिखाई दे रहा है कि अलग-अलग बीमारियां दे कारण तुहाडी जीभ दा रंग भी अलग-अलग तरां दा हो जांदा है। इनफेक्शन दे विच तुहाडी जीभ दा रंग चिट्टा हो जांदा है ते एलर्जी दे विच तुहाडी जीभ दा रंग लाल हो जांदा है। जिस नूं बैक्टीरिया दी शिकायत होवे उसदी जीभ दा रंग पीला हो जांदा है ते जिस नूं दिल दी बीमारियां दी शिकायत होवे उसदी जीभ दा रंग बैंगणी हो जांदा है। तुसीं इह चीज़ हमेशा नोट कीती होनी है कि मरन तो पहलां लोक कहिंदे हन कि उस नूं कुछ ठीक नहीं लग रहा, भाव कि उह कहिंदे ने कि उन्हां नूं कुछ चंगा महसूस नहीं हो रहा ते उन्हां दे शरीर दे विच दर्द भी हो रहा है। चाहे उन्हां नूं किसी भी तरह की बीमारी क्यों ना होवे पर उह मरन तो पहलां इही चीज़ कहिंदे ने कि मैनूं कुछ चंगा महसूस नहीं हो रहा। उह अजिहा इसलिए कहिंदे ने क्योंकि मरन तो कुछ देर पहलां ही साडा शरीर हौली हौली कम छड्डन लगता है। तुसी अक्सर ही पेन फड़दे हो पर पेन नूं फड़न दे असल दे विच 4 ऑफिशियल तरीके हन। पूरी दुनिया दे विच ज्यादातर लोग पेन नूं इस तरीके दे नाल ही फड़दे ने। जेकर तुसी इह 4 तरीकियां तों बिना पेन नूं फड़दे हो तां तुहाडे पेन नूं फड़ के लिखण दा तरीका ऑफिशियल नहीं है। जेकर तुसी इन्हां 4 तरीकियां दे नाल पेन फड़ के लिखणा शुरू करोगे तां तुहाडी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा वधिया हो जाएगी। इस दुनिया के 14 अजिहे दरख्त ने जिहड़े कि यीशु मसीह तो भी ज्यादा पुराने हैं। इन्हां दे विचों एक दरख्त तां इन्ना ज्यादा पुराना है उसके बारे सरकार ने किसी नूं भी नहीं दस्सिया कि यह दरख्त है किस जगह ते तां कि उसनूं कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इस दरख्त का नाम है मैथुशाला। तंजानिया की एक नैशनल पार्क के एक अजिहा वाशरूम है जिसकी रखवाली उत्थों के शेर करते हैं। इस वाशरूम के अगे हमेशा शेर बैठे रहते हैं जिस करके कोई भी इस पार्क के जाण वाला इस वाशरूम की वरतों नहीं कर पाता। इस चीज़ नूं सुन के तुसी हैरान रह जाओगे कि तुसी दिमाग दे अजिहे वेव्स जरूर देखे होणगे, पर जदों तुसी किसी चीज़ नूं सिखदे हो तां इन्हां सारे वेव्स दा आकार बदल जांदा है। इस दे नाल ही जेकर तुसी कोई महत्वपूर्ण जां कहीए इंपोर्टेंट चीज़ नूं याद करदे हो तां वी तुहाडे दिमाग दी वेव्स दा आकार बदल जांदा है। तुहाडे जन्म तों लै के हुण तक तुहाडे दिमाग दे वेव्स हमेशा बदलदे रहिंदे हन। हुण तुसी इस कमाल दी फोटो नूं देखो, इस दे विच इक फोटोग्राफर जंगल दे विच अपना कैमरा रख के थोड़ी देर साइड ते बैठ गया सी ते उसने थोड़ी देर बाद देखिया कि उसके कैमरे दे सामने एक काटो खड़ी है ते उह उसके सामने बैठी एक चिड़ी दी फोटो खिंच रही है। इस तों बाद सामने बैठे पंछी ने भी कैमरे दी दूजी साइड जाके उस काटो दी फोटो खिंची। असल दे विच एक दूजे दी फोटो तां नहीं खिंच रहे सी पर देखण दे विच जरूर अजिहा लग रहा सी कि जिवें पंछी वारों वारी अपनी फोटो करवा रहे होण। एक रिसर्च दे विच इह चीज़ पता लगी है कि वट्सएप वरतण वाला कोई भी इंसान एक दिन दे विच औसतन 23 बार अपना वट्सएप खोल के देखता है। सौखे शब्दों दे विच कहीए तां एक घंटे दे विच एक बार इंसान जरूर अपने वट्सएप नूं खोल के देखता है। इंडियन नैशनल रोड अथॉरिटी ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 75 किलोमीटर लंबा हाईवे सिर्फ 105 घंटे बना दिता सी। यह हाईवे अपनी लंबाई चढ़ाई के नाल नाल बिल्कुल परफेक्टली बनया होया है। इंडियन नैशनल अथॉरिटी का नाम गिनीज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड के भी दर्ज हो गया है। यह काफ़ी ज़्यादा हैरानीजनक है। यह एक शार्क ते एक डॉल्फिन का दिमाग है। इत्थे तुसी देख सकते हो कि शार्क का जिहड़ा दिमाग है वह डॉल्फिन मच्छी के दिमाग के नालों काफ़ी ज़्यादा छोटा हुंदा है। जिवें कि इत्थे तुहानू दिखाई दे ही रहा है कि जिहड़ा यह वड्डा दिमाग है यह डॉल्फिन का है ते जिहड़ा छोटा दिमाग है यह शार्क का है। इत्थों सानू यह चीज़ समझ पैंदी है कि जेकर किसी जीव का आकार वड्डा है इसका मतलब यह नहीं कि वह उन्ना ज़्यादा बुद्धिमान होवेगा।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਐਕਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 77 ਸਾਲਾ ਟੌਰਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਡਰਾਇੰਗ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਟੌਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਐਕਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਰਾਇੰਗ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੈਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੈਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਹਾਊਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੈਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮਜਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਰੀਡ ਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸੋਖਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 50,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਡੋਬਲਿਨ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਈਨੋ ਦਾ ਬੁੱਤ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਤ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਟਨਾਂ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਡਾਇਲ ਪੈਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਅਲਫਾਬੈਟ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 99% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਲੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡਾਇਲ ਪੈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੇ 6 ਨੂੰ ਨੱਪ ਦਵੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ABC ਹੈ ਤੇ 6 ਦੇ ਉੱਪਰ MON ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 26 26 ਦਬਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਮਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 5 2 5 ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੈਕ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਰੋਚਕ ਤੱਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਡੇ YouTube ਅਤੇ Facebook ਦੇ ਪੇਜ ਜੋਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।